लोकसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु सुझाव लिए। खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ तहसील सभागार में बैठक की, निर्वाचन संबंधित विषयों पर चर्चा की और ऑनलाइन निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित जानकारियों से अवगत कराया और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए सुझाव मांगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हमारी आज मीटिंग हुई, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है, लिहाजा हमने सब राजनीतिक दलों को बताया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नोटिफिकेशन हो जाएगा वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को और आम जनता को जो जो भी डूज डोंट्स है उसके बारे में हमें बताया गया और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होगी उससे उन्हें अवगत कराते रहेंगे हम, ताकि कोई भी इसमें ढिलाई ना हो। और हमने बताया कि जितने भी हमारे यहाँ पर हेलीपैड्स हैं और जो हमारे मैदान हैं जिनमें ये रैलीज वगैरह कर सकते हैं उनकी एक सूची इनको हमने प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ 22 जनवरी 2024 को जो हमारा फाइनल पब्लिकेशन है उसकी एक इलेक्ट्रल रोल की कॉपी भी हमने सॉफ्ट कॉपी इनको प्रोवाइड कर दी है। हालांकि बाद में हम इसकी मार्क कॉपी का भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा हमने इनको बताया है कि भाई जितने भी हमारे जो यहाँ पर बूथ्स हैं उसकी पूरी लिस्ट हमने इनको प्रोवाइड कर दी है। हमने इसको ऑलरेडी चेक कर लिया कि यहाँ पर हमारे सब AMF की सुविधाएँ उपलब्ध है। इसको हमने इनको सारे राजनीतिक दलों को हमने ये भी बताया कि भैया ऑनलाइन आप इनको सिस्टम में भी आपका जो नॉमिनेशन वगैरह कर सकते हैं और साथ ही साथ जो सी विजिल ऐप है हमारा उसके माध्यम से ये जो इनकी भी कंप्लेंट्स है वो हमें दे सकते हैं, उसमें कार्रवाई जो हमारा टाइम बाउंड पीरियड है उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो सभी राजनीतिक दलों को हमने और उनके उम्मीदवारों को उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने सारी सूचनाएँ दे दी हैं और आगे भी हम इनको इनके साथ मीटिंग करके सारी सूचनाएँ प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।